सबसे पहले मैं अव्वल खुदा पर मैं उम्मीद रखता हूँ, उस पर तवक्कुल रखता हूँ, बाकी लंगकोर तनमो साथ हसकांगों सब भाई बहन बड़े बुजुर्ग सब के ऊपर हम कुछ तवक्कुल रख के इस मैदान में आया हूँ। इंशाल्लाह मुझे अगर साथ देगा तो हमें कामयाब होने का मुझे पूरा उम्मीद है। देखिए नायब साहब, आपने जो क्वेश्चन पूछे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें यह कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और, भले ही इन्होंने एनसी और पीडीपी ने जो है स्टेट लेवल पे इन्होंने बायकॉट किया हो, बट ग्राउंड रियलिटी में यहाँ पर मैक्सिमम जो है जितने भी ये जो हमारे वर्ड्स हैं उनमें प्रॉक्सी जो है इन्होंने कैंडिडेट्स निकाले हैं, उतारे हैं, दोनों पार्टीज ने मैक्सिमम निकाले हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ये दिखावा कुछ और है, करता कुछ और है। तो मुझे नहीं लगता कि इनका मतलब जो स्टेट में जो इस तरीके से इन्होंने बायकॉट का ये किया उसका यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं है, कुछ नहीं है। प्रॉक्सीज यहाँ पर ऑलरेडी है। हमारे दुप पे इंतजाम बाजू बिल्कुल आराम के साथ बुमोन खुनती लेन, बुसांग खुनती लेन, शर्मा सुनसन खुनती लेन, या नाथपा वाथपा ना मरीज ना दुन खुनता अलग आराम ना वो एहतराम ना वो गामल वो तासे छेन जो बहुत बहुत शुक्रिया अचान जिंग अमा तंजीमत बस तांस बैठे बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पहला फर्स्ट जो म्यूनसिपल इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है और हम जैसे यूथ जो है काफ़ी एक्साइट हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो म्यूनसिपल जो एरियाज हैं हमारे यहाँ पे जो फुटपाथ्स हैं, जो हमारे जो पुलिस कोचेज जो है, जो ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे यहाँ का है, तो उन सब के ऊपर जो है काम करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए, तो ये हम जैसे यूथ को एक मौका मिल रहा है, तो इस एक्साइटमेंट से हम जो है इस मैदान में उतरे।